हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है। ऐसे में नवरात्रि का दूसरा दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित है। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अवैवाहिक रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी मानी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही माता को किस चीज़ का भोग लगाना है, किस रंग के वस्त्र को धारण करना है और पूजा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप करने के लिए माला और दूसरे हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने मात्र से ही भक्तों में स्थिरता आ जाती है। पुराणों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूरे जीवन काल में केवल भगवान शिव की तपस्या की है। उनके कठोर तप की वजह से ही वे ब्रह्मचारिणी नाम से जानी गई। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उनकी घोर तपस्या की। तपस्या के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल और फूल खाकर व्यतीत किए और उसके बाद 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बेलपत्रों को खाकर स्वयं को जीवित रखा और भगवान शिव के ध्यान में लीन रहकर अपने जीवन को व्यतीत किया और उसके बाद निराहार और निर्जल होकर भी भगवान शिव की कठोर तपस्या की। सभी देवी देवता उनके इस कठोर तप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा की। ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मचारिणी देवी के कठोर तप से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान भोलेनाथ की पत्नी बनने का वरदान दिया और इस तरह अगले जन्म में उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा से जीवन में धैर्य और अपने कार्यों के प्रति निरंतर प्रयास करने का संदेश प्राप्त होता है। महातपस्विनी माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती है। माता का यह स्वरूप मन को शीतलता प्रदान करने वाला बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही समस्याओं का नाश होता है। दोस्तों, अब हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से संबंधित तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सफेद, पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। नवरात्रि के पहले दिन आपने जो कलश स्थापित किया है उस कलश पर तिलक लगाकर माता की फोटो पर भी तिलक लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को पीले रंग के पुष्प और संभव हो तो कमल के पुष्प को समर्पित करें। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाएं। आप माता को पिस्ते से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को पान सुपारी व लौंग आदि चढ़ाकर माता को जल अर्पित करें। इससे माता दीर्घ आयु का आशीर्वाद देती है। इसके बाद धूप दीप जलाकर माता की आरती करें और माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का 108 बार जप करें। दोस्तों, इस दिन ब्राह्मण को चीनी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की श्रद्धापूर्वक विधिवत पूजा अर्चना करते हैं उन्हें सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है और मन में असीम शांति और प्रसन्नता महसूस होती है और हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर नवरात्रि के अवसर पर 9 देवियों की कथा एवं पूजा विधि से संबंधित एक सीरीज शुरू की गई है। आप अन्य देवियों की कथा एवं पूजा विधि से संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और पौराणिक कथाओं और भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।